जय हिंद साथियों, मैं सत्यम तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अंश 5G एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी इस वक्त जो है एक सीरीज चल रही है कार्बन और उसके यौगिकों की। सॉरी दोस्तों, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं सबसे पहले, क्योंकि एनसीईआरटी में एक चैप्टर है, एनसीईआरटी में सिर्फ एक चैप्टर है और इस चैप्टर की मुझे सीरीज चलानी पड़ रही है। इसके लिए मैं टोटली जो है क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मुझे मांगनी चाहिए आप लोगों से। क्योंकि अब मैं क्षमा क्यों मांग रहा हूँ, एनसीईआरटी वालों ने क्या किया है कि कई सारे चैप्टर जैसे आईपीएससी नाम, साबुनीकरण और हाइड्रोकार्बन और उसके बाद में कार्बनों का परिचय, सामान्य परिचय, इन कई चैप्टरों को मिलाकर सिर्फ एक चैप्टर जो है बना दिया है। स्थितिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, एथेनोइक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये सारी चीजें जो है उन्होंने क्या किया है कि मिलाकर एक चैप्टर जो है सिर्फ बना दिया है। लेकिन अब आईपीएससी नाम इतना छोटा सा था नहीं, तो मैंने इतने दिनों में 7-8 जो क्लासें हैं मेरी 20-20 मिनट की, इसमें मैंने सिर्फ आईपीएससी नाम कवर किया है। और यह आज जो है यह मेरी कार्बन और उसके यौगिक की अंतिम वीडियो है, आज मैं इसको टोटली कंप्लीट कर दे रहा हूं। तो कार्बन और उसके यौगिक का हैशटैग डेटन आज हम बनाए हैं, हैशटैग डेटन। ये हमारा 10वां दिन है और आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन आखिर क्या होते हैं, एथेनोइक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि तथा साबुनीकरण प्रोसेस क्या होता है, साबुन किस प्रकार से बनता है। यही इतना इस चैप्टर में जो है लगभग था, वो मैंने इस चैप्टर को पूर्ण रूप से कम्प्लीटली जो है कवर कर लिया है। तो अगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। इसके बाद केमिस्ट्री जो है खत्म हो जाने के बाद मैं इंग्लिश की क्लासें जो है शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं इंग्लिश की इतिहास से लेकर व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश, अंग्रेजी का इतिहास से लेकर और अंत तक टोटली मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Now, here we will discuss about the what is hydrocarbon. Hydrocarbon आखिर होते हैं क्या है? जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन आखिर होते क्या है? जैसा कि हम इसके नाम से ही स्पष्ट कर सकते हैं, ये दो परस्पर दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। एक तो होता है हाइड्रो और दूसरा है प्लस कार्बन। ये दो पर्टिकुलर शब्दों से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रो का अगर हम सही से ठीक से मतलब निकालें तो हो जाता है हाइड्रोजन। क्या हो जाता है? हाइड्रोजन और कार्बन। तो जैसा कि मैंने इसके नाम को एनालिसिस करके इसकी डेफिनेशन बना दी कि हाइड्रोकार्बन वह यौगिक होते हैं, वह कंपाउंड होते हैं जो कंप्लीटली हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट कंपाउंड, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो अब आई होप आप सभी को हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन जो है समझ में आई होगी। अब बात आई हाइड्रोकार्बन के प्रकार, तो हाइड्रोकार्बन मेनी टू टाइप्स, देयर आर मेनी टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। पहला जो है उसे हम कहते हैं असंतृप्त, पहला संतृप्त या असंतृप्त कोई मान लीजिए संतृप्त, और दूसरा जो है वह असंतृप्त, असंतृप्त। अब बात आई संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं। इसको समझने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी, यानी कि शायद J1 या J2 की वीडियो नहीं देखी है कार्बन उसके यौगिक की, तो वह वीडियो आप लोग देख लीजिए। वहां मैंने कार्बन और कार्बन के बीच लगने वाले बॉन्ड को अच्छी तरीके से समझाया है। मैंने वहां पर सिंगल बॉन्ड किस प्रकार से लगते हैं, डुअल और ट्रिपल बॉन्ड कब लगते हैं, किस प्रकार से लगते हैं, वहां पर मैंने इसको अच्छे तरीके से क्लासिफाई किया है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होते हैं जहां पर कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। आई बात समझ में, जहां पर कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बारी आई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह कार्बन होते हैं जहां पर कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य या तो डबल बॉन्ड और या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। ये जो दो हाइड्रोकार्बन होंगे, ये जो होंगे दो हाइड्रोकार्बन, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल होंगे। इसमें एथेन होगा मतलब एल्केन वाला पूरा इसमें होगा, इसमें एल्कीन और इसमें एल्काइन वाला पूरा कम्प्लीटली आ जाएगा। तो आई होप आप सभी को यह बात जो है समझ में आई होगी। एक और होता है कार्बन, असममित कार्बन या फिर किरियल कार्बन उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असममित कार्बन, असममित या किरियल कार्बन। इसको समझते हैं ये आखिर क्या होते हैं। कार्बन को हम जैसा कि जानते हैं कि कार्बन को चारों तरफ से एक एक बॉन्ड चाहिए होता है, मतलब कार्बन के लिए टोटल चार बॉन्ड की जरूरत होती है। तो जब उसके चारों तरफ
डिफरेंट डिफरेंट यौगिक डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट जुड़े हो तो वहां पर इस कार्बन को असममित कार्बन कहा जाता है। जैसा कि मैं एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, यहां पर जुड़ा हो H, यहां पर जुड़ा हो यहां पर Br, यहां पर I और यहां पर F। देखिए अब यहाँ पर इसकी जो बैलेंसी है चार चार कंप्लीट हो रही है, लेकिन जुड़ा जो अलग अलग है यहाँ पर सारी चीजें मतलब ये भी ये भी ये भी ये भी अलग अलग जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, असममित कार्बन या किरेर कार्बन, ऐसे कार्बन को बोलते हैं। फिर और दूसरा समझते हैं, अगर कार्बन के साथ इस प्रकार से Br और इस प्रकार से दूसरा Br, उसके बाद में I और HCIF कुछ जुड़ा हो, जब Br दो बार हो गया तो इसको हम असममित कार्बन नहीं कहेंगे, किरेर कार्बन नहीं कहेंगे, या फिर चारों जगह पर अगर कोई सेम एलिमेंट जुड़ा हुआ हो तो उसको भी हम असममित कार्बन या किरेर कार्बन नहीं कहेंगे, नहीं कह सकते हैं। किरेर कार्बन सिर्फ वही होगा जहां पर कार्बन के जो चारों परमाणु जुड़े होंगे कार्बन के साथ हाइड्रोकार्बन में, वह जो होंगे वह अलग अलग हो, उनको हम किरेर कार्बन या असममित कार्बन कहते हैं। तो अब आई होप आप सभी को यह बात जो है टॉपिक समझ में आई होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो इस चैप्टर का अगला टॉपिक है, साबुनीकरण क्या होता है, किस प्रकार से साबुन बनाया जाता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, फिर समझते हैं साबुनीकरण के प्रोसेस को। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सॉफ्टिफिकेशन, साबुनीकरण के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए साबुनीकरण आखिर होता क्या है, साबुनीकरण एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा साबुन का निर्माण किया जाता है, वही साबुन लाइफ बॉय लक्स वही सब साबुन होता है, यहाँ पर कोई दूसरा साबुन नहीं आया है। तो उसी साबुन का जो निर्माण किया जाता है किस प्रकार से, वही जो प्रोसेस होता है साबुनीकरण होता है, उसको किस प्रकार से साबुन को बनाया जाता है यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए जब कभी किसी तेल में या वसा में, तेल या वसा में कोई क्षार मिलाया जाएगा प्लस क्षार, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, इन सबके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। जब किसी तेल या वसा में कोई क्षार मिलाया जाएगा तो इस प्रकार से मुझे जो प्राप्त होने वाला है वह होगा साबुन और ग्लिसराल प्राप्त होगा। क्या ग्लिसराल, जो कि मतलब ग्लिसराल प्राप्त होगा, मतलब जगह थोड़ी कम थी इसमें मैंने नहीं लिखा उसको अच्छे से। तेल या वसा में कोई क्षार मिलाया जाएगा तो साबुन प्लस ग्लिसराल मुझे प्राप्त होने वाला है, यही जो प्रोसेस होता है यही जो होता है साबुनी करण कहलाता है, इसी को हम क्या कहते हैं सॉफ्टिफिकेशन कहते हैं। तो चलिए हम बना लेते हैं इसको, कोई भी तेल या वसा ले लेते हैं, जैसे हम किसी तेल या वसा का सूत्र थोड़ा यहाँ बड़ा है इसको याद करने की ट्रिक आप लोगों को बता देंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड, COO सिंगल बॉन्ड, C17H35 अंडरस्टैंड, नहीं सॉरी थोड़ा इसको इधर से लिखेंगे तब और अच्छे से, यह बात जो है थोड़ी स्पेस की कमी है यहाँ पर, तो इसको और इधर से लिखते हैं तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। CH2 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, C17H35, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ लगाएंगे, CH सिंगल बॉन्ड, C डबल O सिंगल बॉन्ड, C17H35, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, C17H35। यहाँ एक कोई तेल या वसा का फार्मूला हमने लिख दिया, फिर देखते हैं CH2COOC17H35 सिंगल बॉन्ड, CHCOOC17H35 फिर सिंगल बॉन्ड, CH2COOC17H35। किसी तेल या वसा का फार्मूला आप लोगों को थोड़ा सा याद करना होगा, हमने लिख दिया, तो इसको क्या मान लेते हैं, तेल या वसा, इसमें हमको ऐड क्या करना है, कोई क्षार ऐड कर दीजिए, तो हम एक सबसे अच्छा क्षार जानते हैं NaOH, इसको तीन बार मिला दीजिए ताकि अभी रिएक्शन जो केमिकल जो है ये रिएक्शन जो है बैलेंस किया जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक बेसिक ऑफ केमिस्ट्री की वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने रिएक्शंस को बैलेंस करना उसमें सिखाया है, तो वहां पर 3 NaOH लग जाएगा केमिकल को, सॉरी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। अब चूंकि हमारे पास इधर जगह कम है इसलिए हम नीचे भी लिख देंगे, लेकिन नीचे वास्तव में लिखा नहीं जाता है, ये इधर ही अब क्रिया को इधर ही लिखा जाएगा, तो जगह कम है इसको हम पहले इधर रिप्रेजेंट करा लेते हैं तब हम नीचे लिख देंगे उसको उस प्रकार से। तो देखिए हमारा जो बनकर तैयार होगा वो क्या बनकर तैयार होगा, देखिए 3C17H35C11ONA, ये हमारा जो फार्मूला होगा, ये फार्मूला होगा साबुन का, किसका साबुन का बनकर तैयार होगा। देखिए किस प्रकार से C17H35 तीन बार ये कंप्लीट हुए, COO, तीन बार ये था, तीन यहाँ पर लग गया, तीन हो कम्प्लीट, NA कितना था, तीन बार NA था, तीन बार NA कम्प्लीट, इतनी तो रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब बचा कितना, CH2, और इधर कितना बचा, यहाँ पर OH, इतना ही तो बचा है, तो उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। देखिए किस प्रकार से
CH2 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 यही तो बचा है। और यहाँ पर क्या क्या बचा है, OH यही हमारा इतना बचा था। ये हमारा फार्मूला जो है यह गिल्सराल का फार्मूला है, गिल्सराल। तो यही हमारा साबुनीकरण का फार्मूला हो जाता है, इसी से साबुन का निर्माण होता है। साबुन का फार्मूला आप लोगों के सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट है। तो आई होप आप सभी को साबुनीकरण जो प्रोसेस होता है, सॉफ्टिफिकेशन, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर और अधिक बात कर लेते हैं साबुन के बारे में, कि साबुन आखिर काम किस प्रकार से करता है, कि क्या कारण होता है कि साबुन जो है काम कर जाता है, वहां पर साबुन का जो प्रोसेस होता है, साबुन का पानी में कार्य क्या है। तो देखिए, साबुन जो होता है जब उसको हम पानी में मिलाते हैं तो वह उसको सरफेस टेंशन को कम करता है, मतलब पृष्ठ तनाव को कम करता है। अब जब साबुन को हम किसी भी पानी में मिलाए तो वह पृष्ठ तनाव को कम किया, पृष्ठ तनाव को कम करने का मतलब पानी का सरफेस टेंशन, मतलब जो क्षेत्रफल था बढ़ गया। अब किसी चीज का जैसे हमारा यहाँ पर है, अब हम क्षेत्रफल अपना बढ़ा लेंगे तुरंत यहाँ पर पतले हो जाते हैं। तो पानी उसी प्रकार से जब उसका क्षेत्रफल बढ़ा, एरिया बढ़ा, तो वह पतला हो गया। और इस प्रकार से और हमारे कपड़ों को धोने में जो कपड़े के महीन महीन कण होते हैं, जहां पर महीन महीन कणों में मिट्टी भर जाती है, वहां तक अब पानी प्रवेश कर लेगा और पानी वहां पर प्रवेश करके उसको धो देता है। तो साबुन इसी प्रकार से सरफेस टेंशन के बेस पर काम करता है, पृष्ठ तनाव के बेस पर काम करता है। पृष्ठ तनाव के बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी, मतलब एक वीडियो बनाऊंगा अब इन फ्यूचर, क्योंकि पृष्ठ तनाव बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमारे दैनिक जीवन में पृष्ठ तनाव का बहुत बड़ा महत्व है। कई चीजें जो हमारे लाइफ में वो पृष्ठ तनाव पर ही सफल हो पाती है, कंटिन्यू और सक्सेस हो पाती है। तो आई होप आप सभी को मेरी यह वीडियो जो है अच्छे से समझ में आई होगी। अब इस चैप्टर की जो मतलब अंतिम टॉपिक रह गई है, एथेनोइक अम्ल। तो चूंकि यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, 10-12-15 मिनट की वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी, अब एथेनोइक अम्ल पूरी एक वीडियो लेगा, कम से कम 20 मिनट लेगा। तो इसलिए इसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ और नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग ये सोच लीजिए। इसलिए अगर आप लोगों को मेरी वह वीडियो, मतलब आप लोगों को जरूरत है एथेनोइक अम्ल के बारे में जानने की, तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। वरना आप लोग वीडियो जो है कम उसमें पढ़ लीजिए वहां से, बुक से उसमें कोई दिक्कत आने वाली, अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन में, मेरा व्हाट्सएप है, या फिर कमेंट सेक्शन में मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।